मेरा नाम डॉक्टर अपर्णा गुप्ता है। आपका एक्सपीरियंस क्या है मैम, मतलब कब से ऑफिस में? मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ फॉर लास्ट 17 इयर्स। 17 सालों से आप? आई एम एन एसोसिएट डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट इन इंडियन स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल वसंतपुर। मैम मेरा सवाल था कि जो न्यूरोलॉजी बीमारी है, ये लोगों को कैसे पता चलता है कि मतलब उस बीमारी से जूझ रहे हो, मतलब वो सिम्टम्स कुछ बता सकते हैं? न्यूरोलॉजी एक थोड़ा सा आई थिंक इसमें अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज न्यूरोलॉजी लोग मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, नॉट द बिहेवियर प्रॉब्लम्स बट उनकी बीमारियों के बारे में, जैसे कि सिर दर्द होना, चक्कर आना, पैरालिसिस या फॉल स्ट्रोक का होना, स्लो हो जाना बॉडी का, पार्किंसंस जिसको हम कहते हैं, दौरे, मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी, नसों का कमजोर हो जाना, न्यूरोपैथी, भूल जाना एक चीज के साथ, डिमेंशिया, ये कुछ कॉमन कारण हैं। और भी बीमारियां हैं बट ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं। तो मैम हमें कैसे पता चलना चाहिए कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली एक दो चीज तो कोई भी भूल जाता है या चक्कर आना हो सकता है कमजोरी की वजह से ऐसा होता है, तो फिर हमें कब ऐसा फील होता है कि नहीं हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए हर चीज का एक ध्यान रखना चाहिए कि जब चीज बार बार हो रही हो, ठीक है ना, एक बार आप अवॉइड कर सकते हैं चीजों को, बट आपको लगता है सिर दर्द एक बार है, नॉर्मल हेडेक भी हो सकता है, एक्सर्शन से भी हेडेक हो सकता है, पर अगर वो चीज बार बार हो रही है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना। एक आध बार चक्कर आना कॉमन है, बट आपको लगता है ये चीज बार बार हो रही हो, और अगर पहली बार भी हो रही हो और इतनी सीवियर हो कि जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की हो, देन डेफिनेटली यू हैव टू विजिट योर स्पेशलिस्ट, तब आपको जरूर स्पेशलिस्ट को दिखाना है। तो मैम इसका कुछ इलाज बता सकते हो आप नॉर्मल के लोगों को? नहीं, वो तो अलग अलग बीमारी के रिलेटेड अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर हेडेक होता है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, हेडेक को चक्कर आता है, कोई भूल गया, क्या नहीं, वो डिपेंड करता है कॉज क्या है, वो स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, उनका कारण क्या है। नॉर्मल सब लोग आप जानते हैं हेडेक जैसे एक चीज होगी, मोस्ट कॉमन कारण होता है माइग्रेन, ठीक है ना, माइग्रेन है, और भी अकेले माइग्रेन ही कॉज नहीं होता, बहुत सारी चीज होती है, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, वो भी एक सिर दर्द कर सकते हैं। सो जो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कारण क्या है, यस यस, चेकअप कराने का, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लगता है कोई भी सिम्टम्स बहुत सीवियर है, फर्स्ट टाइम बार बार हो रहे हैं, डेफिनेटली विजिट योर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट को डिसाइड करने दीजिए कि ट्रीटमेंट क्या है। एक पेन किलर इज नॉट द ट्रीटमेंट, नॉर्मल पेन किलर लोग ले लेते सर दर्द के लिए, तो वो सही नहीं है बॉडी के लिए, तो सही नहीं है बॉडी के लिए, एक आध बार चलता है, बट बार बार उसी पे डिपेंडेंट होना सही नहीं है। मैम और भी दिमाग की बीमारी के बारे में बता सकते हो? नॉर्मल की लोगों को भी इतना नहीं पता हो। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो स्ट्रोक है या पैरालिसिस है, जिसके बारे में आज मेरी टॉक भी है। पैरालिसिस की अवेयरनेस होना, सिम्टम्स को पहचानना पैरालिसिस की बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बिकॉज किसी को भी अगर एक्यूट, एक एक्रोनिम हम लोग यूज करते हैं बी फास्ट, कभी भी अगर सडन स्ट्रोक हमेशा रिलेटेड होता है सडन या अकस्मत, एकदम से अगर कभी भी आपको लगता है बी से होता बैलेंस में प्रॉब्लम आना, सडन आपके विजन में प्रॉब्लम आना या देखने में या विजन चले जाना, फास्ट का मतलब होता है सडन में फेशियल आपका ड्रूपिंग होना, फेस तिरछा हो जाना, हाथों की कमजोरी आना, बोलने में दिक्कत आना, अगर कभी भी ये कुछ सिम्टम्स होते हैं तो इमीडिएटली टी मतलब है टाइम टू कॉल, इट इज इमरजेंसी, टाइम टू कॉल द इमरजेंसी और द एम्बुलेंस, यू शुड विजिट द नियरेस्ट हॉस्पिटल जिसमें कि स्ट्रोक की फैसिलिटीज अवेलेबल है। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले 4.5 घंटे अमेरिकन ब्रेन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो पहले 4 घंटे हैं वो हम उन्हें गोल्डन पीरियड मानते हैं, जिसमें हम पेशेंट को एक क्लॉट बस्टर, जो डॉक्टर्स की भाषा में हम इसे थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं बट फॉर कॉमन मैन के लिए क्लॉट बस्टर्स होता है, जो हम दे सकते हैं, जिससे स्ट्रोक की सीवियरिटी भी कम हो सकती है, उसकी जो उसके कारण डिसेबिलिटी है वो भी कम करते हैं। तो ऐसा कुछ है कि हम अपने घर पे ही कुछ ऐसे कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि इन सब बीमारियों से बचा जा सके? नहीं, डेफिनेटली देखिए हर बीमारी की अपने प्रिवेंशन चीजें हैं, बट बाय एंड लार्ज जो कॉमन चीजें होती है वो तो होती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि जो हम फर्स्ट अटैक हम जो स्टार्ट करते हैं वो अपने आप से करें, है ना, तो हमारी लाइफस्टाइल शुड बी हेल्दी, ठीक है ना, हमारी ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर होना चाहिए, शुड बी गुड होना चाहिए, एज जो मेरा मानना है कि हमारी इंडियन हैबिट्स आर रियली गुड, बट जो वेस्टर्न कल्चर का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ है, जिससे कि यू नो फ्राइड आइटम्स और ये जो फास्ट फूड हुआ है, इससे ये बीमारियां हमारे कल्चर में भी बढ़ गई, ठीक है, तो फ्रेश फूड होना चाहिए, फ्रेश वेजीज होना चाहिए, नट्स हो जाए, है ना, और विच आर हाई एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, लो कोलेस्ट्रॉल फूड होना चाहिए, एक्स्ट्रा 3 पीस का मुझे लगता है 3 पीस को अवॉइड करना चाहिए, एनी प्रोसेस्ड फूड, एनी पैक्ड फूड,
और एनी प्रिजर्व फूड, ये तीन पीस का अगर हम अपने खाने में ध्यान रखेंगे सो इट्स बी अ गुड हेल्दी डाइट। मैं क्या सवाल था कि बहुत लोग जो रात को जग के काम करते हैं दिन में मतलब आजकल पाया गया है दिट इज की स्लीप एक वन ऑफ द रीसेंट रिस्क फैक्टर्स पाया गया है स्ट्रोक के लिए। व्हाई? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एपनियाज। स्लीप एपनिया एक बीमारी है जिसमें रात में ऑक्सीजन लेवल कम होता है बिकॉज हमारा जो एयरवे है जो सांस लेने का एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है विच अगेन एग्रेवेट्स, इससे बढ़ता है स्ट्रोक का रिस्क। ठीक है, सो स्लीप साइकिल शुड बी मेंटेन, हाइजीन शुड बी मेंटेन, दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज है। दूसरा स्ट्रेस लेवल्स आल्सो इम्पॉर्टेंट। आजकल जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ता है जिसके सेकेंडरी आपका बीपी बढ़ता है, जिसके सेकेंडरी आपकी शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, सो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं स्ट्रोक को बढ़ाते हैं। इसलिए जो मतलब जो लोग रात को नहीं सोते हैं तो उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। मतलब देखिए स्लीप तो प्रॉपर होनी चाहिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज करने से हमेशा डिस्टरबेंस होता ही है ना, जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं अगर उसके अगेंस्ट आप जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ठीक है, फिर भी कई बार होता है कि लोग नहीं अवॉइड कर सकते बिकॉज ऑफ जॉब प्रोफाइल के कारण। तो प्रॉपर स्लीप 24 आवर्स में एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स लें डिपेंडिंग अपॉन द एज ना, मिड जैसे कि आफ्टर 60 यू नो 4 to 5 आवर्स स्लीप इज गुड इनफ, बट मिडिल एजेस में 6 to 7 आवर्स इज गुड इनफ। साउंड स्लीप एंड दैट टू द क्वालिटी ऑफ स्लीप इज इम्पॉर्टेंट, साउंड स्लीप इज इम्पॉर्टेंट।